आपने सुना होगा ये कहावत, आम के आम और गुठलियों के दाम, या फिर ये सुना होगा सांप बे मरे और लाठी बे न टूटे। तो इस कहावत के असली और एकमात्र हकदार है मुकेश अंबानी है। ये एकमात्र ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं जो पत्थर को सोना, पानी को अमृत और तो और इनका बस चले तो ये हवा से भी पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपशिखा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल क्विक फैक्ट्स में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगी जो आपको विचार करने पर मजबूर कर देगा। अब इनकी किस्मत मानो ये कठोर परिश्रम या फिर वक्त का सही होना जो भी है, ये भारत को हर एक बुलंदी पर देखना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि पेड़ पर पैसे उगते हैं, तो सही सुना आपने। और ये पेड़ आपको रिलायंस के जामनगर वाले रिफाइनरी में पाए जाते हैं। रिलायंस बड़े पैमाने पर प्रवेश करता है, ये जो बे करते हैं हमेशा बड़ी मात्रा में करते हैं। इनकी इस रणनीति से सामने वाले विरोधी के छक्के उड़ जाते हैं। ये इस तरीके से एंट्री करते हैं जिससे आम से आम आदमी को इसके फायदे होते हैं। आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि मुकेश अंबानी की दिग्गज भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिर्फ पेट्रोलियम और टेलीकॉम के उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। व्यापार समूह एशिया में आमों के सबसे बड़े मालिक है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आम के साथ क्या करना है, जल्दी से 1997 में वापस जाएं। उस समय रिलायंस की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक प्रदूषण की बड़ी मात्रा थी जो इसके कारण हो रही थी। इसलिए इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से खतरे के रूप में देखने के बाद रिलायंस ने जामनगर के बंजर भूमि को रिफाइनरियों के पास आम के बाग में प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में बदलना शुरू कर दिया। 2018 के लिए तेजी से आगे उस बाग को, जिसे अब धीरूभाई अंबानी लखी बाग अमराई के रूप में जाना जाता है, 200 से अधिक प्रजातियों के 1.3 लाख से अधिक पौधों के साथ एशिया का सबसे अच्छा आम का बाग है। पिछले 7 वर्षों में हरे भरे ग्रामीण इलाकों में बंजर भूमि का कुल परिवर्तन हुआ है। शुरुआत में जामनगर में आम की सफलता के बारे में बहुत अधिक संदेह था, जो उच्च वेग वाली हवाओं, पानी और मिट्टी में लवणता के कारण था। हालांकि उपयुक्त तकनीक के साथ आम की सफलता एक कहानी बन गई है। दुनिया के इस हिस्से में कहीं भी वैज्ञानिक रूप से सफल आम के बागान नहीं पाए जा सकते। उस बाग में पैदा होने वाले आम उत्कृष्ट गुणवत्ता के होते हैं और वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से निर्यात किए जाते हैं। रिलायंस अपने जामनगर रिफाइनरी परिसर में 600 एकड़ के ग्रीन बेल्ट में आम की 127 किस्में उगाता है। उत्पादकता में इजराइल और ब्राजील को मात देता है। रिलायंस की समस्या से बचाने वाला बाग 600 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। बड़ी ग्रीन बेल्ट के लिए पानी कंपनी के डिसेलिनेशन प्लांट से आता है जो समुद्री जल को शुद्ध करता है। चूंकि औचक का क्षेत्र बड़ा है और पानी की कमी और शुष्क भूमि का मुद्दा बना रहता है, इसलिए इसका सामना करने के लिए एक साथ निषेचन के साथ जल संचयन और ड्रिप सिंचाई विधि जैसी उपयुक्त तकनीकों का उपयोग किया जाता है। केसर, अल्फोंसो, रत्ना, सिंधु, नीलम और आम्रपाली जैसी प्रमुख भारतीय किस्मों के अलावा हमारे पास फ्लोरिडा, अमेरिका से टॉमी एटकिंस और कैंट और इसराइल से लिली, किट और माया जैसे विदेशी भी हैं। एक कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हर साल धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई उत्कृष्ट गुणवत्ता के लगभग 127 किस्मों का उत्पादन करते हैं जो स्थानीय स्तर पर और साथ ही वैश्विक स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। रिलायंस ने किसानों को अपने बाग में जाने और वहां इस्तेमाल की जा रही नवीन प्रथाओं से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। यह हर साल किसानों को 1 लाख मुफ्त पौधे वितरित करता है। रिलायंस के निर्णयकर्ताओं ने किस तरह से मुद्दों से अपना रास्ता बनाया, यह अभिनव, प्रेरक और पर्यावरण के अनुकूल भी है। कुछ वर्षों में बंजर भूमि हरे भरे ग्रामीण इलाकों में बदल गई और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात अपने पर्यावरण के अनुकूल समकक्ष द्वारा बचा ली गई। एसआर ग्रुप और सांगी इंडस्ट्रीज, जो अपने सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी और सीमेंट प्लांट के लिए बेहतर हैं, देश के प्रमुख आम उत्पादकों में भी शामिल हैं। कमजोरी को ताकत में कैसे बदलना है, यह निर्भरता से सीखना होगा। अब आप जानते हैं कि वे क्यों कहते हैं अपनी कमजोरी को ताकत में बदले। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।